नमस्कार दोस्तों, ये अपना स्वराज जो है कल्टीवेटर में 9 टाइम कल्टीवेटर चल रहा है। यह गजब बेटा अस्तर आटे काटता हुआ और इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का समय है। ये देखिए परछाई कितनी जा रही है, क्योंकि सुबह वही शूट हो रहा लगभग 6 बजे के आसपास। देख लो कितना सवाल लग रहा है। अभी जो हमारे यहाँ थोड़ा पानी की रुपाई चल रही है, वजह से ट्रैक्टर थोड़ा गंदा है, क्योंकि 2-3 दिन में घूमते हैं। देखिए पाटा कितना मोटा था, क्योंकि जो है ट्रैक्टर में जो है थोड़ा सा प्लस ही अच्छा लगता है। प्योर पीली मिट्टी, महज 1200-1300 आरपीएम पे चलता हुआ, और इसकी सेंसिंग बहुत ही गजब की है। स्वराज की सेंसिंग मैसी के बाद नंबर 2 पे आती है। सबसे ख़राब, किसी कंपनी की बुराई नहीं करते, लेकिन सबसे ख़राब आप लोग जानते होंगे जो ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, किस ट्रैक्टर की है। नंबर 1 पे मैसी की है, नंबर 2 पे स्वराज की है। और कीट खाने वाले पक्षी देखिए आ गए, 1, 2, 3, 4। अभी इनकी तादाद बढ़ती जाएगी। टॉर्सन का कल्टीवेटर है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल की कंपनी जो है डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर में पड़ती है, वहाँ पे जो है लोकल फैक्ट्री है, बढ़िया ब्रांडेड चीज़ बनाती है। धूप बहुत है, ये देखिए चलने में कल्टीवेटर की दिक्कत होती है जो है। अब मेन कारोबारी देखेंगे, अब इसकी गहराई देखेंगे ड्राइवर हमारे यहाँ से फर्स्ट के हाई में चल रहा होगा। थोड़ा सा अभी नम खेत है, इस वजह से आप देख लीजिए हमारे यहाँ जल्द ही बारिश पड़ी थी, तो 1-2 दिन हुए। बेहतरीन परफॉर्मेंस 44 की कल्टीवेटर पे इसका अच्छा एवरेज है। बहुत जल्दी खेत खत्म करता है, ये लगभग 5-20 का खेत था। अभी जब से वीडियो चालू हुआ है लगभग 4 मिनट हुए हैं, सबसे जुताई कर रहा लगभग, देखिए कितना ख़त्म कर चुका है। ये देखिए वहाँ से लेके यहाँ तक, अब उधर भी लगभग ख़त्म हो गया, वो वहाँ तक चलेगा। इसकी हाई में फर्स्ट में आप अगर जुताई करें तो बहुत बड़ी चाल है इसकी, 1200-1300 आते हैं तो बहुत अच्छा चलता है। अभी एक बार का बचाएगा,
6 दिन से तो कोई बात ही नहीं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा जमीन में, स्वराज की एक खास बात है कि जो है कल्टीवेटर में अगर पावर एक्सचेंजिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छे से चलता है और लंबाई भी अच्छी है इसकी, खींच बहुत अच्छी खींच और जीरो मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस ट्रैक्टर। आप समय सर्विस कराएं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, सालों साल चलता जाएगा। जब आने के हिसाब से जो है किसान को बड़ा ट्रैक्टर लेना चाहिए क्योंकि तो छोटे ट्रैक्टर से अगर आपके पास ज़रूरत है तो छोटे ट्रैक्टर से काम नहीं चलेगा। सेकंड बार भी होता जाएगा, नमस्कार दोस्तों, ये अपना स्वराज और आज ईलू भाई जो है नाच जुताई करते हुए, ये देखो पीछे जो है मिट्टी लग चुकी है, ये देखो आज जो है इसकी परफॉर्मेंस ईलू भाई चेक कर रहे हैं, आपको इसको दिखाएंगे और इनका फीडबैक भी दिलाएंगे। इसका साउंड चेक करें, लटियाल लग रही ना, इधर घास ज्यादा है यार। ए बैठो विपुल, बैठो तो बताई, दूध की घास जो है इसमें जो है गाड़ी चलने के इधर तारों में फंसती है, आप इसकी गहराई देख सकते हैं। और पाटा में बैठे हैं अपने विपुल भाई, एक बार जुताई हो गई, थोड़ा सा भूख लग गई है और उसके बाद सेकेंड बॉन्ग किया जा रहा है। देखो लग गई फिर,
ए उधर खाली माँ, खाली माँ, ओए हेलो। ना 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 अभी लगी है यार, अबे लगी है। ये कलाकारी दिखा रहा है लड़का, अब देखो गाड़ी जो है जो है टाइम भी टूटता है, टाइम भी ज़्यादा लगते हैं। वो दिखाएंगे इधर से उसकी परफॉर्मेंस। कम से कम 10-12-20 से कट्ठे थे। किसको किसको उधर पीछे का दबा, पीछे का, पीछे का, पीछे का। गिर गई मैं यार। काफी धूल धूल रही भाई। वो चला गया अपना स्वराज, आप इसकी चाल देखिए अच्छी देखी चाल है भाई।
जहाँ भी हम वीडियो बनाते हैं। ये देखिए आ गए बकुला हमारे यहाँ, इन्हें बोलते हैं क्योंकि जहाँ जुताई होती है ये अपने पेट के लिए जो है कीट खाने आ जाते हैं, क्योंकि ज़मीन में छुपे रहते हैं और जुताई से बाहर निकलते हैं। और इनकी आँख बहुत तेज़ होती है, आप नहीं देख पाएंगे, इनको पता चल जाएगा। दोस्तों ये अपना कल्टीवेटर परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।